हेलो पीपल, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? तो ये रहा डे टू ऑफ माय जयपुर ट्रिप। तो बेसिकली हम लोग उठकर बैठे थे रात से ही, एंड हमें नींद आ रही थी बट नींद पड़ नहीं रहा था बिकॉज बहुत ठंड लग रहा था। इसके लिए हमें आदत नहीं एक्चुअली, तो हमने अचानक से स्विच किया इतनी ठंडी वाली जगह में। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कब हम पहुँचेंगे, एंड हम बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। यहाँ पे इनका चालू ही रहता है हमेशा का। एंड उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस मिला कि हमें अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, तो हमने सब बैग वैग पैक करके रख लिया। एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके थे जयपुर स्टेशन, एंड वी वर रियली लाइक वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द प्लेस मोर। एंड मुझे ये सब बिल्डिंग्स एंड ऐसा सब देख कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। एंड हमें बोला गया था बस की ओर जाने के लिए, जो थोड़ी सी दूर थी स्टेशन से। एंड उस बस से फिर हम जाने वाले थे अपने होटल। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ हम बस से पहुँच गए थे, एंड हमें फिर काफ़ी सुकून मिली कि चलो अब फाइनली हम पहुँच जाएंगे। एंड फिर हम बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, एंड ऑल्सो हमें आज डेस्टिनेशन की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने होटल जिसका नाम था होटल राज प्लाज़ा। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका रिव्यू, एंड मैं आपको आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे हमें कीज़ मिलने वाले थे, तो एक रूम में वी वर हैविंग 4 या तो 3 पीपल, तो हम चारों का तो फिक्स था। तो हम अब इन कर रहे हैं। अब इनका बिहेवियर देख लीजिएगा ज़रा। ये देखिए, हमें सैनिटाइज टॉयलेट मिला था, तो इसका ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। एंड पागल हो गए हैं ये दोनों। एंड उसके बाद हम लोग देख ही सकते हो आप, मिरर सेल्फीज चालू हो गए इनकी। एंड अगर मैं सही बात बोलूँ तो ये रूम काफ़ी अच्छा था, इट वॉज वेरी नाइस। इसके पास स्टडी टेबल, सोफ़ा, कोजी बेड, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड अप टिल नाउ। आगे वाले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। फिर हमें करना था लंच फ्रेश होकर, एंड देन यहाँ पे आ गए थे हम लंच करने। लंच भी काफ़ी अच्छा था, मुझे दाल काफ़ी पसंद आया इनका, बिकॉज क्या ही बताऊँ मैं। फिर यहाँ पे हम पहुँच चुके थे आमेर फोर्ट। तो ये रहा बाहर से कुछ व्यू इसका। वैसे हमें गाइड भी मिले थे जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत गाइड किया पहले। तो फिर हम यहाँ पे सब लोगों का आने का वेट कर रहे थे कि सब आ जाएंगे तो हम एक साथ जाएंगे, बिकॉज काफ़ी गली थी अंदर, एंड थोड़ा भूल भुलैया टाइप्स भी था। तो हमें कहा गया था कि अपने ग्रुप्स के साथ रहने के लिए। वैसे अगर आपने ये प्लेस विजिट किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नाइट हो रहा था, एंड मैं वेट कर रही थी उस व्यू का, बिकॉज हमें चांस मिला हुआ था कि नाइट टूर का, बिकॉज अभी हाल ही फ़िलहाल में एक रूल निकला है कि हम नाइट टूर भी कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑलरेडी, एंड हम ऊपर जा रहे थे, एंड लाइटिंग तो क्या लग रहा था। आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड विद दिस प्लेस, एंड मन ही नहीं कर रहा था कि हम वापस जाए। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, यहाँ पे कलरफुल लाइट्स, इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना, क्या बताऊँ। ये था शीश महल, इसमें राजा रहते थे गर्मियों सर्दियों के टाइम में। एंड इसका काफ़ी लंबा स्टोरी है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर ये रहा इसका पूरा व्यू फ़िलहाल। अभी हम आगे और जाने वाले हैं, तो मैं आगे और क्लिप्स डालूँगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। फिर ये रहा जो हमारा जो शीश महल था उसका व्यू फ्रॉम इनसाइड। ये सारे जो थे वो ग्लास था, शीश यानी कि ग्लास, शीशा। सो ये आप देख सकते हो, इसके वजह से जो था लाइट में जो जो बर्नर होता है, हम कह सकते हैं इसका एक्चुअली बहुत बड़ा स्टोरी है, आई रियली टेल यू। तो इसके वजह से ना गर्मी होती थी काफ़ी। तो यहाँ पे हम आए थे टैलेंट देखने, तो आप देख सकते हो। तो ये था ब्यूटीफुल व्यू, हम आ गए थे एकदम टॉप पर, एंड इट वाज लाइक व्हाट शुड आई से, आई वाज हैविंग वेरी लेस वर्ड्स टू डिफाइन दिस प्लेस। बहुत सही था, बहुत स्वीट था ये,
एंड उसके बाद हम आ गए होटल में, डिनर किया एंड सो गए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड.